भगवती अम्मन मंदिर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन कर रहे हैं नीरज, और ये तस्वीरें आ गई हैं भगवती अम्मन मंदिर के भीतर की। ये तस्वीरें तो देखिए किस तरीके से भक्तिभाव में डूबे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, और ये वो रॉक मेमोरियल, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ध्यान है वो लगाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए उसी समय की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आज से 1 जून तक, तो आज 30 मई की तारीख है और आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कन्याकुमारी में पहुंच चुके हैं। और कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी यात्रा है, एक तरीके से आप इसको स्पिरिचुअल यात्रा कह सकते हैं, और इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करके की। जिस बात का जिक्र अभी अभिषेक उपाध्याय भी कर रहे थे कि देवी कन्याकुमारी, और ये जो रॉक मेमोरियल जहां पर बना हुआ है, इस चट्टान को भी इसीलिए पवित्र चट्टान माना जाता है क्योंकि मान्यता यही है कि देवी कन्याकुमारी ने भी इस पवित्र चट्टान पर तपस्या की थी, और फिर यहीं पर स्वामी विवेकानंद जिन्होंने 3 दिन तक लगातार यहां तपस्या की, और जिस तरीके की मान्यता गौतम बुद्ध के जीवन में सारनाथ की है, बिल्कुल उसी तरीके की मान्यता स्वामी विवेकानंद के जीवन में इस चट्टान की है जहां पर लगातार 3 दिन तक वो ध्यान में लीन रहे थे, और फिर वहीं से एक विकसित भारत, एक नए भारत का विजन उनको मिला था। हम सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, हमारे दो सहयोगी आप जानते हैं कन्याकुमारी से लगातार अभिषेक उपाध्याय जो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, नीरज पांडे भी वहीं पर मौजूद हैं। नीरज, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही हो तो ये भगवती अम्मन मंदिर के भीतर की तस्वीरें हमारे साथ मौजूद हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भक्तिभाव देखने के लिए मिल रहा है, और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में लीन होने जा रहे हैं उसी जगह पर, उसी पवित्र स्थल पर जहाँ स्वामी विवेकानंद ने लगातार 3 दिन तक ध्यान लगाया था। नीरज, देखिए इसके बहुत सारे महत्व हैं। देखिए रुमाना, एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा है पूरी तरह से स्पिरिचुअल यात्रा है, क्योंकि उनकी वो जहाँ जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि वहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, जो जिन मंदिरों की मान्यता होती है वहाँ ज़रूर वो दर्शन के लिए जाते हैं। तो अब चूँकि ये उनकी यात्रा ही स्पिरिचुअल है, तो इसलिए वो जब पहुँचे तो उन्होंने माँ कन्याकुमारी यानी भगवती अम्मन मंदिर, जो एक तरह से कहें कि आप पार्वती का अवतार थी, उनका वहाँ पर वो दर्शन करने पहुँचे हैं। और ये जो कन्याकुमारी पूरा शहर है वो उन्हीं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कन्याकुमारी की कुल देवी मानी जाती है भगवती अम्मन मंदिर। तो आप पहले जब वो पहुँचे तो अभी उन्होंने गेस्ट हाउस में समय बिताया, अब वो मंदिर में पूजन अर्चन कर रहे हैं, और पूजन अर्चन करने के बाद अगले 2 दिनों तक यानी कि आज रात के बाद से और 1 तारीख की शाम तक आपको वहीं मिलेंगे, बाहर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। वो पूरी तरह से ध्यान और अपना ये कहें कि थोड़ा सा जितने पिछले कुछ दिनों में लगातार चुनावी व्यस्तताओं में व्यस्त रहे, चुनावी रैलियां की 206 से ज़्यादा रैली कार्यक्रम इवेंट उन्होंने किए, 80 से ज़्यादा इंटरव्यूज दिए, तो लगातार चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त रहे, उसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, इसलिए वो पिछले अगले 2-3 दिन यहीं रहने वाले हैं, यानी 1 तारीख की शाम तक। 1 तारीख की शाम को वापस दिल्ली जाएंगे और उसके बाद से फिर से चुनावी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी, क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आना है, और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार, ये वो सरकार में रिजल्ट किसका क्या रहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुनर्वापसी होती है तो किस तरह से होती है, ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो निश्चित रूप में अगला आने वाला जो समय है वो फिर हैक्टिक हो जाएगा, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्पिरिचुअल यात्रा में आए, और ऐसा ही पहली बार नहीं है। 2019 में भी हम लोगों ने देखा, और सवाल भी है, हमने देखा था किस तरीके से जब दिव्य भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मौका था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि वहां पर एक यजमान की भूमिका में भी थे, तो ऐसे में उन्होंने वो बाकायदा यम नियम का भी पालन किया था। तो ऐसे में अब जबकि प्रधानमंत्री अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, यहां कन्याकुमारी में हैं, रॉक मेमोरियल में वो ध्यान में लीन रहेंगे, तो इसको लेकर कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि किस तरीके से ये ध्यान, ये तपस्या जो करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसकी कुछ रूपरेखा जो जानकारी मिल रही हो नीरज?
देखिए अंदर की रूपरेखा की जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि जैसा आपने खुद कहा कि जहां भी जाते हैं राम मंदिर में आपने उनको यजमान की भूमिका में देखा, लेकिन जहां भी रहते हैं जहां भी पूजन करने जाते हैं वो नियमों का बहुत ध्यान रखते हैं, नियमों का बहुत बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं और उनका प्रयास यही होता है कि जैसे एक भक्त और भगवान के बीच में जो सामंजस्य होता है वही हाल उनका हर जगह रहता है, चाहे वो केदारनाथ हमने देखा हो, चाहे वो उससे पहले काशी विश्वनाथ में देखा हो, आपने देखा राम मंदिर का आपने जिक्र किया, और आज भी कमोबेश आप आज की भी तस्वीरें देखें तो वो पूरे विधान और पूरे तरीके से नियमों का पालन करते हुए ही पूजन पाठ करते हैं, जो उनके पुरोहित जो जैसा करवाते हैं पूजा वैसा ही करते हैं। अंदर की रूपरेखा जो हमारे पास इनिशियल जानकारी है वो ये है कि अभी करीब 6:30 बजे अंदर पहुंचेंगे, तो जब वो पहुंचेंगे तो वहां पर विवेकानंद जो सेंटर है रॉक मेमोरियल का सेंटर है उसके जो ट्रस्टी हैं वो उनका स्वागत करेंगे, उनका उनको अभिनंदन करेंगे और उसके बाद वो अंदर जाएंगे, उनके लिए एक रूम संरक्षित किया गया है, उस रूम में थोड़ी देर वो समय बिताएंगे, अपने कपड़े चेंज करेंगे, अपने सामान रखेंगे और उसके बाद ध्यान केंद्र ध्यान मंडपम जो वहाँ पे अंदर एक हॉल है जहाँ पर जो भी जाता है ध्यान लगाकर बैठता है और थोड़ी देर के लिए जो है पूरी तरह से ध्यानमग्न हो जाता है, वहाँ पर वो ध्यान मंडपम में अपना समय व्यतीत करेंगे। और बड़ी बात यह है कि उनके साथ वहाँ के जो योग साधक हैं, जो इस विवेकानंद ट्रस्ट जो रॉक मेमोरियल के जो योग साधक हैं वो भी वहाँ पर उनके साथ कुछ देर के लिए मौजूद रहेंगे ताकि ध्यान उनको पूरी तरह से उनकी हेल्प की जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे भी कोई ये पहली बार नहीं, आप देखें तो उनका आपने इंटरव्यू जब किया तो उस समय भी उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने जिक्र किया कि लास्ट 30-40 ईयर से वो लगातार जंगलों में पहाड़ों में तमाम ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर्स में रह चुके हैं और उनकी जो ताकत है वो यही है कि वो खुद से अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करते हैं, यानी कि जो इसे कह सकते हैं इंग्लिश में डिटॉक्स जो कहते हैं कि आदमी जब थक जाता है, आदमी बहुत सारा काम कर चुका होता है, एक लंबे समय से एक कामों में लीन रहता है, तो फिर अपने आप को फिर से रिफ्रेश करने के लिए एक समय चाहिए अपनी बॉडी के लिए, और वो सबसे अच्छा तरीका है कि वो ध्यान किया जाए। भगवान और भक्त के बीच में जो ध्यान होता है उससे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री चूंकि हर अपनी सभाओं में कह चुके हैं कि वो बड़े आश्वस्त हैं अपनी सरकार की वापसी को लेकर, तो उनको वो पूरी तरह से मुझे लगता है आश्वस्त हैं कि उनकी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, तो इससे पहले वो अपने आप को फिर से अंदर से फिट करें और अपने आप को एक तरह से कहेंगे नई ऊर्जा और नए संचार के साथ वो आगे की जो प्रक्रिया है उस पर भाग लें, क्योंकि 4 तारीख कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया, महज 5 दिनों का समय बाकी रह गया है। 5 दिनों बाद तीसरी नरेंद्र मोदी के भाग्य का फैसला होगा कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं या विपक्ष जो लगातार बात कह रहा है विपक्ष अपने उसमें सफल होता है, तो खैर वो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि नई भूमिका में नई सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार में जाने वाले हैं, तो इसके लिए अपने आप को रिफ्रेश करने के इरादे से यहाँ पहुंचे हैं और यही हाल हमने केदारनाथ में भी देखा था। आप रुमाना उस समय भी आप टीवी स्क्रीन पर थी, आपने देखा कि केदारनाथ में जब रुद्र गुफा में वो गए तो करीब करीब 24 घंटे उस रुद्र गुफा में उन्होंने समय व्यतीत किया। नीरज मैं लौटूंगी आपके पास, आपने जो अभी बात कही ना साहब, नई ऊर्जा नई मजबूती एक नई ताकत के साथ खुद को रिफ्रेश करना, और वो जिस इंटरव्यू का आपने जिक्र किया नीरज, उसमें बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बात कही गई थी कि भाव मन से एक विरक्त भाव में वो रहते हैं और कहीं ना कहीं मन जो है उनका वो रमता है इस तरीके की आध्यात्मिक यात्राओं में जिसकी शुरुआत उनके बहुत बचपन से हो गई थी और इसी वजह से वो कोलकाता वो रामकृष्ण मिशन से उनका जुड़ाव और स्वामी विवेकानंद जिनको हमेशा अपने प्रेरणा स्वरूप के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं। और ऐसे में सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, लेकिन ये जो स्थल है ये पावन स्थल, यहाँ पर पर्यटकों का भी बड़ा आना जाना लगा रहता है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक SPG प्रोटेक्टिंग है तो वो सुरक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहीं कोई चूक ना हो और जो पर्यटक हैं उनके लिए भी सुविधा बनी रहे, इसको लेकर किस तरीके से कुछ तालमेल बनाया गया है, क्या कुछ हिस्सा कुछ एरिया जिसको जो इनक्लोज किया गया है कि वहां पर अब जाने की अनुमति नहीं होगी 1 जून तक कुछ पर्यटकों की, ऐसी कुछ जानकारी जो सामने आ रही हो अभिषेक उपाध्याय? रोमाना, पहले आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देख, भक्ति अमन टेम्पल हम एग्जैक्टली पहुंच गए हैं, उस मंदिर पे ही पहुंच गए हैं, आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर पूजा कर रहे हैं, और ये देखिए सीधा रास्ता है, ये रास्ता सीधा वही है जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल की ओर जाता है, ये वो रास्ता है, और सीधा मैं आपको वो मंदिर दिखा रहा हूँ जहाँ पर देखिए सामने की ओर, और इसका मतलब ये है जो मैंने पहले भी इसके पहले ही कहा था रोमाना, बड़ी अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री ने ये यहाँ पर निर्देश दिया था कि जो जो दर्शनार्थी हैं, जो जो पूजा करने वाले हैं, जो उपासक हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने पाए, उनको रोका ना जाए। इसीलिए देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री ने यहाँ से पूजा कंप्लीट की है वैसे ही इस रास्ते को रिलैक्स कर दिया गया है, और यही वजह है कि हम एग्जैक्टली अब वहाँ पहुँच गए हैं। भक्ति अम्मन मंदिर देखिए सामने आपको आपको मंदिर दिखाई पड़ रहा है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा की है। 3000 साल पुराना मंदिर है ये। प्रधानमंत्री के पूजा करके यहाँ से जाने के बाद एबीपी न्यूज सबसे पहले यहाँ पर पहुँचा है, और आपको मैं पूरा देखिए ये रास्ते में देखिए दुकानें भी यहाँ पर खुल गई हैं, और ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बातें चूँकि ये प्रधानमंत्री का निर्देश था यहाँ पर कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर 3000 साल पुराना मंदिर है तो दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं तो उनको कोई समस्या ना होने पाए, ये उन्होंने यहाँ पर निर्देश दे रखा था, यहाँ के अधिकारियों ने हमको ये बात बताई थी, और वही यहाँ पर हम स्थित देख रहे हैं। एग्जैक्टली मैं आपको अब दिखा दूंगा कहाँ से विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी मैं आपको दिखा दूंगा अगले एक मिनट के अंदर रोमाना, क्योंकि हम एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे पहुंच गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने पूजन अर्चन किया है। ये देखिए जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।